हेलो फूडी, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू अर्चना की जैन रसोई। चलिए आज बनाते हैं सबका पसंदीदा राजमा चावल। तो बिना प्याज लहसुन बिना अदरक के बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट वाला मसाला राजमा घर पर कैसे बनाया जाता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिए और रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर करके अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए देखते हैं राजमा की रेसिपी। सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने लिया है रेड वाला राजमा जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था और अब ये अच्छे से भीग गया है। अब हमें क्या करना है कि इसे कुकर में प्रेशर कुक करना है। तो इसके लिए मैंने चढ़ा दिया है कुकर और इसमें डाल देती हूँ पानी। तो एक बड़ी कटोरी राजमा लिया है मैंने, जिसके लिए मैंने लगभग यहाँ पर 3 कटोरी पानी डाल दिया है कुकर में। और अब ये जो राजमा है इसे भी डाल देते हैं और लगभग इसकी हमें 6 से 7 सीटी लेनी है। जब तक के राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है। तो पूरा राजमा मैं कुकर में डाल देती हूँ और राजमा के साथ इसी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 तेज पत्ता यानी कि बे लीफ। इसके बाद में 2 इलायची ली है मैंने, 1 टुकड़ा लिया है दालचीनी का और कुछ लौंग लिए हैं 3 से 4। और अब हम क्या करेंगे कि इसका लीड लगाकर इसे 6 से 7 सीटी लेंगे जब तक के राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सो लीजिए गाइस, यहाँ पर 6 से 7 सीटी आ गई हैं। अब मैंने गैस बंद कर दिया है तो जब तक के कुकर ठंडा होता है हम ग्रेवी तैयार करेंगे राजमा मसाला के लिए। तो कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने गैस पर और इसमें ऐड करूंगी 3 बड़े चम्मच ऑयल। तो अगर आप चाहें तो ऑयल थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और हरी मिर्ची का पेस्ट है ये। जो लोग अदरक का यूज़ करते हैं वो लोग अदरक का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अब इसे थोड़ा सा चलाएंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टमाटर की प्यूरी और प्यूरी ऐड करने के बाद अब हमें इसे इतना चलाना है जब तक कि इसमें से ऑयल जो है रिलीज ना होने लग जाए, मतलब सेपरेट ना होने लग जाए, तब तक हम इसे चलाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मसाला है अच्छे से भून गया है, इसमें से ऑयल छूटने लग गया है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दी है लगभग 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये, 1 टीस्पून गरम मसाला। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से स्टर करेंगे और बहुत ही बढ़िया सा एरोमा आने लग गया है सभी मसालों का। तो 2 मिनट तक इसे अच्छे से चलाएंगे। और गाइज अब हमारा जो कुकर है बिल्कुल ठंडा हो गया है, जो राजमा है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो पूरा राजमा अब हम इसमें जो पानी है उसके समेत इसमें डाल देंगे। अब मैं ऊपर से बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने राजमा को कुक करते समय ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल दिया था। तो अब ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और अब हमें इसे करीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही ढक के कुक करना है ताकि जो सभी मसाले हैं राजमा के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो राजमा हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो 4 से 5 मिनट तक इसे ढककर कुक करने के बाद अब हम लीड निकालेंगे और इसकी जो ग्रेवी है आपको कितनी पतली चाहिए या कितनी गाढ़ी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसे आप चाहे तो चावल के साथ या फिर गर्मा गर्म फुलकों के साथ भी खा सकते हैं। और हमारा जो राजमा है बढ़िया सा पक चुका है, अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। सो गाइज, आप लोग भी इस राजमा मसाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। प्याज लहसुन खाने वाले लोग भी इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि बिना प्याज लहसुन का हमने इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली टेस्ट जैसा बनाया है। तो ऊपर से अब मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया, और जो लोग धनिया नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं।
तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म परोसते हैं चावल के साथ। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। रेसिपी ख़त्म होने से पहले इसे एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से प्यारी प्यारी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी आपको क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि गाइस मैं इस चैनल पर सभी जैन रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ। तो बने रहिए चैनल पर। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।